ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਨਜ਼ਰ ਖੜ ਗਏ। वाहेगुरु जी की फतेह। आज का दिन हमारे सिख धर्म के लिए सबसे बड़ा बहुत ही वो है। आज के दिन गुरु नानक देव जी जो हमारे जिनका गुरपुरब मनाया जा रहा है सारे पृथ्वी जंत में उनकी उसमें मना रहे हैं हम। और गुरुद्वारा साहब में हमें सेवा करके किसी से विभेद भाव नहीं रखते, हम सबको एक नज़र से जैसे हमारे गुरु नानक पातशाह जी ने चलाया है उसी तरह हम चल रहे हैं। सबको हम जो भी गुरुद्वारा साहब में आता है सबको वन 13-13 तोल के बराबर में चल रहा है। वंड छको वंड छको। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी का 555th बर्थ एनिवर्सरी है। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं जो उनके मानवता के लिए सब इक्वल उन्होंने माना है सबको, मतलब कोई धर्म जात पात सबसे निकाला है, लेडीज़ को बराबर मान सत्कार दिया है, इनका सिंपल मतलब मानवता के लिए सबके लिए बराबरता का आदेश है। किरत करो, नाम जपो, वंड छको, सबसे पहले मतलब अपना दशनाओं का मतलब अपने हाथ से पूरा किरत करने का मतलब काम करने का है, दूसरा नाम जपने का भगवान का नाम लेने के लिए, और तीसरा वंड छको, सब मतलब जो भी आपने कमाया सबके लिए बराबर बांट के सबको दो। यही गुरु नानक देव जी के मेन सिद्धांत है। ये वास्को गुरुद्वारा जो है 1968 में जो थोड़े सिख आए इधर नेवी से आर्मी से MES सब ने मिल के इधर गुरुद्वारा बनाया, तो सब लोग मिल के इधर इसके बाद में दूसरे गुरुद्वारे बेतिन में बनाए, तो सब लोग अभी जो सिख लोग हैं वो इधर ही ज़्यादा करके आते हैं। और भी हमारे हिंदू धर्म के सिंधी धर्म के सब लोग गुरु नानक देव जी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो सब लोग अराउंड 2000 के आसपास गुरु नानक देव जी की जो गुरु नानक जयंती रहती है उस दिन 2000 के आसपास लोग आते हैं। अच्छा, लंगर के बाद लंगर मतलब 2000 लोगों के प्लस ही लंगर बनता है गुरु नानक देव जयंती को, वैसे नॉर्मली तो 500-700 लोग ही रहते हैं हर संडे को। आम्ही वर्षा वर्षा हे गुरुद्वारान आम्ही आमचे आमचे आर्गा उपासना येता, कित्याक हो गोंयातलो सगळ्यांत मोठो गुरुद्वारा, सगळ्यांत ओल्डेस्ट गुरुद्वारा। आणि आज आम्ही गुरु नानक साहेबांची 555th जयंती मनयता। आणि खरंच बरं दिसता, कित्याक सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातींचे सगळे लोक ह्या हातून भायर पडपाक येतात। आणि हांगा जो लग्न जाता सेवा ऑफर करता आनी म्हणजे लंगरात पार्टिसिपेटूय जाता। तो पहिला आसलेले भरपूर लोक भायर येतात ऑल ओवर गोवा जे हांगा आयिल्ले आसा। सो तांची जी तांचो कॉन्सेप्ट आसा सेवा ही सगळे, तांच्या व्हडल्यांतलो व्हडलो मनीस सुद्दां खंयचीच सेवा करपाक फाटी सरना। म्हणजे म्हणल्यार सगळ्या गुरुद्वारांनी पळयला, जावं ते गोल्डन टेंपल जावं ते खंयच्याय गुरुद्वारान व्हडल्यांतलो व्हडलो मनीस सुद्दां लाखांचे ध्यान काम करता। आनी म्हाका दिसता दॅट इज द बेसीक कॉन्सेप्ट जो आमचो ह्युमॅनिटीचो आसा, खंयचेंच काम दान आनी खंयचेंच काम करप
बरे काम करता फाटी लगे सग्या सग्या लोग प्रकाश पर्व